देश दुनिया की हर खबर को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। आज की ये प्रेस वार्ता मुख्य रूप से तिरहुत स्नातक एवं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो बिहार विधान परिषद के रिक्त हुए पद पर जो 6/5/2020 को रिक्त हुआ है उसके चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है और इसी के संबंध में ये प्रेस बैठक बुलाई गई है। संक्षिप्त में मैं इतना ही कहूँगा कि यह निर्वाचन 22 अक्टूबर को होगा। इसका जो शेड्यूल है वह जो नामांकन निर्गत करने की तिथि या नामांकन जिस तिथि से प्रारंभ होगी वह 28 सितंबर से होगी और अंतिम तिथि जो नामांकन की होगी वह 5 अक्टूबर 2020 होगी। नामांकन की संवीक्षा 6 अक्टूबर को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यदि निर्वाचन की आवश्यकता होगी तो यह 22 अक्टूबर 2020 को होगी। पोल का समय 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक होगा। मतों की गणना 12 नवंबर 2020 को और ये जो निर्वाचन पूरी प्रक्रिया ये 14 नवंबर 2020 को समाप्त हो जाएगी। इसके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और उसका जो प्रोविज़न है वो सरकार से भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुआ है और समान रूप से कोई भी मिनिस्टर इंक्लूडिंग दी माननीय मुख्यमंत्री कोई भी इनॉग्रेशन नहीं करेंगे, कोई भी योजना का शिलान्यास नहीं करेंगे, कोई टीचर कंसल्टेंसी से रिलेटेड और ग्रेजुएट कंसल्टेंसी के किसी भी इंस्टीट्यूशंस का कोई फाउंडेशन लेंग नहीं होगा। ऑफिशियल विजिट जो होंगे वो इलेक्शन रिलेटेड से कम्बाइन नहीं होगा। कोई भी नई पॉलिसी जो कि मतदाता जो ग्रेजुएट मतदाता हैं और शिक्षक मतदाता हैं उनको प्रभावित करने वाले कोई भी नीतिगत निर्णय और कोई भी नए कार्यक्रम इसकी घोषणा नहीं की जाएगी। कोई भी निर्वाचन से जुड़े हुए जो पदाधिकारी होंगे, कोई भी जो माननीय मंत्री के द्वारा या जो जनप्रतिनिधि हैं निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उसकी बैठक में भाग नहीं लेंगे। किसी भी मंत्री का जो प्राइवेट विजिट होगा वह सरकारी कार्यक्रम से संबंध नहीं होगा और इस संबंध में जो डिटेल्स जो गाइडलाइंस हैं ये आपको हम उपलब्ध करा देंगे। गेस्ट हाउस को उपयोग के संबंध में भी स्पष्ट इसमें वर्जना है। कोई भी नई स्कीम नहीं होगी, कोई एमएलए एमपीसी स्कीम का जो अमाउंट है वो खर्च अब नहीं किया जाएगा। कम्प्लीटली देयर इज कम्प्लीट बैन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द आर ओ एंड सभी निर्वाचन से जुड़े सभी पदाधिकारियों का जो स्थानांतरण है उस पर रोक रहेगा और हम अपेक्षा करते हैं कि इससे जो तिरहुत स्नातक और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो भी मतदाता है वो निर्भीक होकर इसमें स्वच्छ और निष्पक्ष वातावरण में अपने मताधिकार का उपयोग करें। एक विशेष प्रोविजन इसमें किया गया है वो ये है कि मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए स्टेट एवं डिस्ट्रिक्ट मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन होगा जो इलेक्शन एक्सपेंसेस के साथ साथ जो भी एडवर्टीजमेंट टीवी चैनल केबल नेटवर्क वगैरह में देना चाहेंगे उनका वो सर्टिफिकेशन करेगा, उसके बाद ही उसका प्रचारण अपने प्रचार प्रसार में कर लेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस निर्वाचन में जो कोविड गाइडलाइन है वो सारे लागू होंगे, जो प्रोटोकॉल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत किए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रचार प्रसार में उनको डिटेल्स गाइडलाइंस जो इशूड हैं वो सारे इसमें लागू करेंगे और ये पूरा निर्वाचन कोविड 19 के मद्देनज़र जो सुरक्षा मानक हैं उन सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए कराएंगे। देखते हैं कि इससे अधिक अभी बताने की जरूरत नहीं है, जब भविष्य में आपको होंगे और आपसे मिलेंगे। इतना ही आपको जस्ट ध्यान में हम आपको दिलवा दें कि ये 28
सितंबर से नामांकन प्रारंभ।